गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम कक्षा 5 के पार्ट 2 का शेष प्रश्न आपके वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। और इसके पहले जो है आपको शेष प्रश्न भेज दिए गए हैं। खा क्वेश्चन है पार्ट 2 का, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वाय आवाज करती हुई बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपको दो विकल्प दिए गए हैं, एक है अघोष और दूसरा शघोष। इसमें शघोष व्यंजन जो है आपको भर देना है। दूसरा प्रश्न है क एक व्यंजन है, इसके भी दो विकल्प दिए गए हैं। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। इसमें अल्पप्राण सही है तो क एक अल्पप्राण व्यंजन है। तीसरा दिया है ई और बड़ी स्वर हैं, इसके भी दो उत्तर दिए हैं, तालव्य स्वर है कि कंठ है। यह तालव्य स्वर सही है तो इसमें लिखेंगे ई और बड़ी ई तालव्य स्वर है। चौथा है कि स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग थोड़ा सा उठता है, इसके भी दो विकल्प दिए हैं मध्य और पश्च। तो इसमें पश्च जो है आपका सही है तो पश्च को हम भाग देंगे। पश्च स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग जो है आपका थोड़ा सा उठता है, इन पर सही का चिन्ह लगा के भर देंगे। पांचवा है स्वर का उच्चारण करते समय वाय गति से बाहर निकलती है, इसके भी दो उत्तर दिए गए हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर सही है, स्वर को हम भर देंगे। ग दिया है कि लिखिए, पहला दिया है कि पांच महाप्राण व्यंजन आपके वो लिख दिया गया है ख घ छ झ और ठ, ये पांच व्यंजन जो होते हैं आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा क्वेश्चन है आपका इसमें कि पांच अघोष व्यंजन आपको आगे लिख दिया गया है क ख च छ ट। तीसरा है कि पांच दीर्घ स्वर, इसका भी उत्तर आपके सामने लिखा गया है कि आ ई ऊ ए और आए। चौथा है कि पांच मूर्धन्य स्वर ट ठ ढ और ढ। और पांचवा है कि पांच शघोष व्यंजन ग घ अंगा और ज छ। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका पार्ट 2 खत्म हुआ। आप इसे अपने कॉपी पर लिख लीजिए, याद कीजिए। सधन्यवाद।